नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बज मीडिया में। दोस्तों, आजकल बैंक के या फिर दूसरे जरूरी कामों के लिए पैन कार्ड बहुत अहम दस्तावेज है। कई बार जब हम जल्दी में जाते हैं या लापरवाही की वजह से पैन कार्ड कहीं खो जाता है, जिसके बाद हमारे काम अटक जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर पैन कार्ड खो जाए तो नया पैन कार्ड कैसे हासिल किया जा सकता है? अगर नहीं जानते हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि पैन कार्ड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या है इसकी फीस। सबसे पहले गूगल पर पैन कार्ड रीप्रिंट टाइप करें। इसके बाद NSDL की वेबसाइट पर क्लिक करना होगा। इतना करने के बाद आपसे कुछ डिटेल मांगी जाएगी। यहाँ आपको पैन, आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ भरनी होगी। इसके बाद GSTN नंबर को आप छोड़ भी सकते हैं और T&C को एक्सेप्ट करना होगा। अब इसमें कैप्चा कोड एंटर करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नई विंडो खुलेगी, जिसमें आपकी सारी डिटेल दी गई होंगी। यहाँ आप अपना एड्रेस और पिन कोड कंफर्म कर सकते हैं, जहाँ आपका नया पैन कार्ड आएगा। एड्रेस वेरिफिकेशन के बाद आपको OTP हासिल करना होगा। आप OTP नंबर या फिर ईमेल के जरिए हासिल कर सकते हैं। अब OTP जनरेट पर क्लिक करना होगा। इतना करने के बाद आपके फोन पर एक OTP आएगा। OTP एंटर करने के बाद आपको ₹50 का भुगतान करना होगा। इसके लिए आपके सामने कई ऑप्शन आएंगे, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI। इसके बाद आपको पेमेंट प्रोसेस पूरा करना होगा। इसके लिए आपको मांगी गई डिटेल सबमिट करनी होगी। पेमेंट करने के बाद आप वापस पैन की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। यहाँ आपको स्लिप लेने के लिए जनरेट एंड प्रिंट पर क्लिक करना होगा। इतना करने के बाद आपकी स्लिप जनरेट हो जाएगी। आप चाहें तो इसका प्रिंट ले सकते हैं या फिर अपने फोन में भी सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें।